अपनी लाइफ पे। कपड़े हो गए छोटे, लाज कहाँ से आए, रोटी हो गई ब्रांड, ताकत कहाँ से आए, फूल हो गए प्लास्टिक के, खुशबू कहाँ से आए, चेहरा हो गया मेकअप का, रूप कहाँ से आए, शिक्षक हो गए ट्यूशन के, विद्या कहाँ से आए, भोजन हो गए होटल के, तंदुरुस्ती कहाँ से आए, प्रोग्राम हो गए केबल के, संस्कार कहाँ से आए, आदमी हो गए पैसे के, दया कहाँ से आए, धंधे हो गए हाई फाई, बरकत कहाँ से आए, ताले हो गए पासवर्ड, सेफ्टी कहाँ से आए, भगत हो गए स्वार्थी, भगवान कहाँ से आए, रिश्तेदार हो गए व्हाट्सएप पे, मिलने कहाँ से आए। मंदिर के बाहर लिखा हुआ है खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होता तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं विचारों का करे, इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, चिड़िया जब जीवित रहती है तो वो कीड़े मकोड़े को खाती है, और चिड़िया जब मर जाती है तब कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल नहीं सकते, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो पर समय तुमसे भी शक्तिशाली है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तिल्लियां बनाई जा सकती हैं, पर एक माचिस की तिल्ली से लाखों पेड़ भी जलाए जा सकते हैं। रूप दिया है मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, और संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। मत कर कभी भी गुरूर अपने आप पे, ऐ इंसान भगवान ने तेरे और मेरे जैसे इतनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। इंसान दुनिया में तीन चीजों के लिए मेहनत करता है, मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उनकी तीन चीजों को सबसे पहले बदल देता है, नाम स्वर्ग के, लिबास कफन, मकान शमशान। जीवन की कड़वी सच्चाई जिसे हम समझना ही नहीं चाहते, ये चंद पंक्तियां जिसने भी लिखी हैं खूब लिखी हैं। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है, इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर ही रहता है। नाइस लाइन। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वहीं बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। वेरी नाइस लाइन। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी होती है जहाँ हम कहते हैं कि हमें हार चाहिए। ये जिंदगी जैसी भी है बस एक बार ही मिलती है, ये SMS जरूर सब तक भेजना, ये SMS मैंने पूरे दिन की मेहनत से बनाया है। थैंक यू।